So hey everyone, welcome to a new series of College Duniya where we'll take interviews of all those students who have recently converted India's top B schools and who have scored a great, great, great percentile. And talking about great percentiles, we have Adit with us who scored 99.9 percentile in CAT 2022. Adit, welcome to this new series. Welcome for inaugurating this new series and thank you so much for doing this. Thanks, Chaitanya. Thanks for having me here. So for those of you don't know, Adit ने 99.9 percentile score करी है, ठीक है, बहुत ही फाड़ percentile है, बहुत ही अच्छी percentile है, 95 में लोगों के लग जाते हैं, 99.9 तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, तो अभी अभी आप सभी को नहीं पता है कि हमने कैसे 1.5 घंटा वेस्ट किया है अपना खुद का, और ना ही आपको कभी पता लगेगा, बट इट्स ओके. आदित आदित लेट्स टॉक अबाउट की ऑफकोर्स अभी हम बात अभी टू ऑल दोस ऑडियंसेस अभी हम बात करेंगे कि कैट में 99.9 कैसे अचीव कर सकते हो आप. तो लेट्स टॉक अबाउट पहले कैट स्कोर के बारे में. सो आदित 99.9 मुझे बताओ कि भाई कैसे आई 99.9. मैंने तो 2 साल मेहनत करी, मेरी 95 ही आई. भाई कैसे आई, मेरे को जानना है कि 99.9 कैसे आई, मेरे को बताओ. बस प्रैक्टिस 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 यार प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस तो मैंने भी करी यार, आई डोंट नो. सो हाउ टू मतलब मैंने उतनी तक प्रैक्टिस करी जब तक मुझे लगे कि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ गया. मतलब मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा उतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करा. मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक कोई भी ले लो, हाँ. उसमें जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन आ जाए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, हाँ. तब तक मैंने प्रैक्टिस करी. मतलब कोई टॉपिक्स में वो बहुत कम भी हो सकती है, हाँ. कोई टॉपिक्स में वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, राइट. वो खुद की कम्फर्ट पे होता है. बट यार तो क्या होता है कि एक होता है कि गधा बन के प्रैक्टिस करना, एक होता है घोड़ा बन के प्रैक्टिस करना, कि आप अपनी प्रैक्टिस से कुछ वैल्यूएबल अचीव कर रहे हो, ठीक है. तो वो चीज कैसे करना है कि कैसे अपनी प्रैक्टिस से वैल्यू क्रिएट करनी है खुद के लिए. देखो मैं फ्रेंकली बताता हूँ, फॉर पॉइंट्स मतलब मैंने क्या कह रहा था, मेरा इस साल का भी स्कोर देख लो तो 50% ऑफ द टोटल स्कोर वॉज फ्रॉम क्वांट्स, राइट. आई स्कोर्ड 110 मार्क्स जिसमें से 55 मार्क्स क्वांट्स के थे, राइट. तो मैंने टोटल उसमें खींच लिया, बाकी दोनों में 95 प्लस परसेंटाइल लेके आ गया, राइट. तो मेरा 99.9 परसेंटाइल हो गया. तो मतलब ये एक की है, कोई भी तीन में से एक सेक्शन उठा लो जिसको आपका बेस्ट सेशन बनाना है, उसमें अगर आप टोटल खींच लोगे तो बाकी दो सेक्शंस में 95 प्लस परसेंटाइल लेके आ जाओगे तो भी बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर हो जाएगा. क्योंकि जो अगर टोटल आपका आगे निकल गया तो बाकी दो सेक्शंस, मतलब हर एक का होता है कि एक सेक्शन होता है जिसका वो बेटर ही होता है, राइट. वो सबका अलग अलग होता है, पर वो सेक्शन को इतना स्ट्रांग कर लो कि आप उसके ऊपर टोटल बहुत ज्यादा खींच सको. तो मैंने क्या किया, जैसे आप गधे घोड़े की बात करी, राइट, तो क्वांट्स में मैंने क्वांट्स में क्या किया, पहले घोड़े की तरह सब, हाँ. सब जो कंसेप्ट्स थे, प्रैक्टिस थी, वो घोड़े की तरह की पहले, वो सब क्लैरिटी लेके आ गया. बट स्टिल मैं पेपर सॉल्व करने बैठू तो मेरे क्वेश्चन पेपर में से 60% क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, ओके. टाइम बाउंड मैनर में मेरे सॉल्व ही ना हो जितना पेपर था. और अगर मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं क्वांट पे ही फोकस ज्यादा करूंगा, उसमें ही ज्यादा स्कोर करूंगा, तो अगर मैं 60% ही सॉल्व कर पा रहा हूँ उतने टाइम में, तो दैट इज नॉट फेयर, राइट. पहले घोड़े की तरफ मैंने सब कंसेप्ट क्लैरिटी और वो सब ले आ गया, राइट. फिर मैंने जो देखा था, मतलब मैं जो मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा था ना, तब मैंने ये चीज नोटिस की कि स्पेशली क्वांट्स में ऐसा होता है कि जब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे होते हैं ना रिसेंट पास्ट में, तब मेरा एक फ्लो बन जाता है कि क्वांट्स के क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व होने लगते हैं. और क्यों, क्योंकि वो माइंड फ्रेम ऐसा हो जाता है कि तुम कैलकुलेशन फास्ट करने लगो, ज्यादातर कैलकुलेशन मतलब ओमिट कर लो, स्पीड में वो सब हो जाता है. मतलब वो जितना है सॉल्व करोगे ना आप क्वेश्चंस, उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, उतना ही माइंड शार्प होगा, उतना ही माइंड फास्ट होगा, राइट. तो पहले घोड़े की तरह करो. बट मैंने फिर जो आखिरी एक महीना था ना, वो गधे की तरह सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करे, जस्ट टू गेट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड जहां पे मैं कोई भी क्वेश्चन आए एकदम जल्दी से सॉल्व करूं, राइट. सो मैंने आखिरी एक महीने में 1000 से ज्यादा क्वांट्स के क्वेश्चन लगा दिए. एक महीने में वो सिर्फ मैंने इसलिए लगाए
क्योंकि मुझे उसमें स्पीड बढ़ानी थी, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं होते, कुछ रॉन्ग भी होते हैं, ऑल दैट इज देयर, बट इससे जो मेरी स्पीड आई ना क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो कैट के पेपर में मुझसे उसकी वजह से मुझसे क्वांट्स का एटलीस्ट कैट का पूरा पेपर सॉल्व हो पाया। राइट, एग्जैक्टली, ओह ऑफ कोर्स कैट का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो आदित्य, ये तो बात है कि आप इंजीनियर हो, राइट, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट इज वेरी वायबल टू थिंक कि इंजीनियर है तो क्वांट अच्छा होगा, राइट? तो कितना ट्रू है ये आपके लिए, क्वांट कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था? तो बीइंग एन इंजीनियर क्या होता है कि आप 10th 12th ग्रेजुएशन हर जगह पे क्वांट से टच में रहते हो। नॉन इंजीनियर्स को क्या होता है, 10th तक दे हैव बीन इन टच विद क्वांट्स, बट उसके बाद थोड़ा टच निकल जाता है। अभी कैट में है क्या, मेजॉरिटी ऑफ द क्वांट्स दैट इज बीइंग आस्क्ड वो 10th वाला ही है, मतलब उसके ऊपर थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और वो सब जो होगा वो ही आएगा। बाकी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस देख लो, फैक्टराइजेशन देख लो, वो सब तो 10th तक पढ़ा हुआ है वही। बट जो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो टाइप ऑफ मेथड्स होती है जहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वांट्स के क्वेश्चन, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो क्या होता है कि इंजीनियर्स टच में थे क्वांट्स के, इसलिए वो बेनिफिशियल होता है, वरना लेवल तो वही होता है। इंजीनियर्स भी जो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आए, क्योंकि इंजीनियर्स मोस्टली क्या करते हैं कि वो कैलकुलस कर रहे होते हैं बाकी के टाइप पे, तो ये कैट का पेपर कैलकुलस तो पूछता नहीं है, राइट? इट्स जस्ट दैट वो टच में थे पॉइंट्स के तो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। और क्या होता है कि उनको भी थोड़े मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि क्वांट्स के पेपर में क्या होता है कि हमें पर क्वेश्चन 2 मिनट से कम दिया जाता है, और अब तक जो सॉल्व करते आए थे वो काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, भले JEE दे दियो उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो कैट के क्वांट्स में नहीं आएंगे ऐसे। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच तो इंजीनियर्स को भी सीखने पड़ेंगे और नॉन इंजीनियर्स को भी सीखने पड़ेंगे, राइट? इट्स जस्ट दैट वो टच रहता है और थोड़ी लाइकिंग ज्यादा होती है इन जनरल इंजीनियर्स की मैथ्स के साइड, वो फायदा करती है, बाकी इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट? सो क्या होता है आदित्य, क्या होता है कि जैसे लेट्स से कोई क्वेश्चन आया कि मेरे को इसमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, राइट? तो नॉन इंजीनियर्स को क्या होता है, अरे यार हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे डेविएट हो रहा है, ठीक है? इंजीनियर्स का क्या है कि डिफरेंशिएट करो, 0 आएगा पता लग जाएगा, ठीक है? तो अब ऐसी ट्रिक्स नॉन इंजीनियर्स को नहीं पता आती है, राइट? तो अब उस सिनेरियो में डोंट यू थिंक इंजीनियर्स के पास हमेशा एज रहेगा क्वांट्स के ऊपर कि ये गलत है? डेफिनेटली एज रहेगा इन चीजों में, बट क्या होता है ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वांट्स का 10% ऑफ द पार्टी होता है, राइट? और कैट इज एन एग्जाम वेर इन आप अगर 50% भी स्कोर करो ना तो आप 99% पे पहुंच जाओगे। आपको कैट का पेपर 100% सॉल्व ही नहीं करना है, 50% ही सॉल्व करना है, तो 10% ऑफ द क्वेश्चंस जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे इंजीनियर्स की स्पीड में उसको लेके क्यों बैठना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट? एग्जैक्टली। सो लेट्स से कैट का अगर मैक्सिमम स्कोर 198 है, राइट? मैंने 77 स्कोर किया था, मेरी 97% लगी थी, और अगर आप उसका कैलकुलेशन देखो तो 200 में से अगर आप 75 देखो तो इट्स अराउंड 3/8 व्हिच इज व्हाट से अराउंड 35-37.5%, राइट? सो सिर्फ 35% एग्जाम मेरे को करने पे मेरा स्कोर 97% हिट हो गया था। तो आप अज्यूम करो कि कैट में आपको 100% तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको पता है आपको हमेशा सही होंगे, और आपको अपना अटेम्प्ट कंट्रोल में रखना है, आपको पता आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस करने कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, और आपको क्वेश्चंस भी छोड़ने आने चाहिए। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आदित्य क्या होता है कि अभी आपने खुद बोला कि आपके क्वांट में इतने आए तो इतनी परसेंटेज लगी, तो मेरे सिनेरियो में क्या हुआ था कि मेरे 21 मार्क्स थे क्वांट में, 22 मार्क्स थे और मेरी 93% थी, बट सेम सिनेरियो में मेरे 23 या 24 मार्क्स थे VARC में और मेरी परसेंटेज 85 थी। तो मेरा पॉइंट ये कि VARC में हाउ आर द स्टूडेंट्स एबल टू परफॉर्म बेटर इन VARC देन क्वांट्स, आई डोंट नो व्हाई, कि VARC मुझे लगता था कि VARC सबसे टफ सेक्शन है तीनों में से, ये क्या है? द डिफरेंट थिंग इज पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व, नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन क्वांट्स, राइट? मतलब आप जो कंपेयर कर रहे हो वो VARC में नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, बट कंपैरेटिवली उतने मार्क्स क्वांट्स में लोगों के नहीं आ रहे, क्योंकि क्या होता है कि
ज्यादातर ना बहुत लोग क्वांट से डरते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब वो क्या होता है, मतलब स्कूल के टाइम से या मतलब ज्यादा लोगों को ऐसा होता है कि क्वांट्स का फोबिया होता है, या मतलब उन चीजों की वजह से वो प्रैक्टिस भी नहीं करते. और क्वांट्स क्या है, कैट का अगर क्वांट्स का पेपर आप सॉल्व करने बैठोगे ना, अगर मतलब 10th स्टैंडर्ड के बंदे को भी दे दिया है अगर कैट का क्वांट्स का पेपर और एक घंटे का पेपर है, उसको बोला कि पूरा दिन ले ले, तो वो 80% ऑफ द पेपर सॉल्व कर लेंगे. कोई कंसेप्ट एलियन नहीं लगेगा उसको, 80% पेपर का कंसेप्ट उसको एलियन नहीं लगेगा. 80% पेपर पूरा दिन दोगे तो सॉल्व करके बैठ जाएगा, 20% थोड़ा बाहर का लगेगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा 10th स्टैंडर्ड का बच्चा. बट उसको बोलो एक घंटे में सॉल्व करना है, उससे 25% भी नहीं होगा. क्योंकि जो मेथड्स हमने आज तक यूज करी हुई है, वो मेथड्स से एग्जाम पेपर में जब आप सॉल्व करने जाओगे तो उतने टाइम में सॉल्व ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन. ट्रू. तो वो अप्रोचेस सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो अप्रोचेस सीख के थोड़ी स्पीड बढ़ाना. राइट. सो आप नॉन आप इंजीनियर राइट, तो आपने भी ईआरसी कैसे टैकल करी, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या होता है कि इंजीनियर्स का क्वांट अच्छा होता है, नॉन इंजीनियर्स का भी ईआरसी अच्छा होता है. राइट. तो आपने भी ईआरसी में क्या हेल्प करी, क्योंकि बीइंग मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बेसिकली थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए क्वांट कंपैरेटिवली इजी था. इसमें मेरे 21 नंबर आए, ठीक है, और ईआरसी में मेरे 24 नंबर आए, पर परसेंटेज में बहुत फर्क आ गया. तो मेरे को जानना है कि आपने भी ईआरसी कैसे मैनेज करी. तो मैंने क्या किया था, मैंने जब थोड़ी एग्जाम्स दी ना, कैट के मॉक पेपर्स दिए और वो सब दिया, तो व्हाट आई नोटिस्ड इज कैट में जो वीएआरसी है उसमें नॉट जस्ट आरसी पार्ट बट वीए पार्ट आल्सो मोर ऑफ डिपेंड्स ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ. अगर आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर पा रहे हो तो वीए हो या आरसी हो दोनों में अच्छे स्कोर कर पाओ. ऐसा नहीं है कि मतलब जीआरई की तरह नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स लर्न करके जाने हैं. यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको सेंटेंस का क्रक्स पता चल गया, उसका कंटेक्स्ट पता चल गया, तो आपको जरूरत नहीं है कि एवरी सिंगल वर्ड डिस्क्रिप्शन यू शुड बी नो, क्योंकि ये ऐसा नहीं पूछता कि इसका सिनोनिम क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं पूछता. मतलब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कैट. तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप वीएआरसी में अच्छा कर सकते हो. अब क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का को रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, तो रीडिंग के अलावा भी अगर आप चीजें सुनो, मतलब ऑडियो इंटरव्यू सुनो, ऑडियो पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक्स सुनो, उससे क्या होता है इंग्लिश, मतलब आप पढ़ो या सुनो, आपको समझनी तो आपको ही है, कॉम्प्रिहेंड तो आपको ही करनी है. तो इनिशियली जब आपका कॉम्प्रिहेंशन सुधर जाएगा सुन के या पढ़ के, अगर आप चीजों को फास्ट पेस में कॉम्प्रिहेंड करने लग गए इंग्लिश में, तो ये डेफिनेटली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जो चीज आपके सामने दी हुई है, और क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड ही आते हैं. तो अगर जितना अच्छा आपने कॉम्प्रिहेंड करा होगा उतना अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाओगे. राइट. सो आदित्य, ये तो है लॉन्ग टर्म अप्रोच. राइट. आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो लिसनिंग पॉडकास्ट हो या फिर रीडिंग बुक्स हो. राइट. ये तो हो गया बहुत ही लेंथी प्रोसेस इन माय ओपिनियन. लेट्स से अगर मेरे को पता लग गया कि मेरे कैट में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और मुझे वीएआरसी का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही करना है, मेरे को मार्क्स लेके ही आने हैं, तो उन 2 महीनों में मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए? तो पहला 1 वीक थोड़ी मॉक्स दो, थोड़े क्वेश्चंस दो, उनमें ये देख लो कि व्हाट इज योर कंफर्ट प्लेस, मतलब बीए इज योर कंफर्ट स्पेस और आरसी इज योर कंफर्ट स्पेस. सबका अलग अलग होता है. कोई आरसी में अगर स्कोर कर रहा है, कोई बीए में स्कोर कर रहा है, तो जिस पे आप स्कोर कर रहे हो अगर आपके पास 2 ही महीने बाकी है तो उसमें आप ज्यादा फोकस करो, उसमें इतने लेवल तक पहुंच जाओ कि उसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाए. तो क्या होता है कि कैट में अगर आप कंसिडरेबल स्कोर भी अगर लाना है, अगर 95% पहुंचना है वीएआरसी में, तो मतलब 30 questions, मतलब मैं आई एम नॉट 100% श्योर, बट वो 30 मार्क्स के आसपास होगा शायद. आई एम नॉट श्योर 100%, वो 30-35 भी हो सकता है. राइट. तो क्या होता है कि कोई एक पार्ट भी अगर आप अच्छा कर लो ना, अगर इतना कम टाइम दिया हुआ है आपको, तो एक पार्ट अच्छा करके वो उसमें एक्यूरेसी बढ़ा लो
और दूसरे पार्ट में ओकेश कर लो कि एकदम इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व करो। तो क्या होता है उसमें भी थोड़े बढ़ गए और इसमें एक्सपर्टीज आ गई तो टोटल मिला के बढ़ जाएगा। ऐसे डिवाइडेड अप्रोच रखोगे कि दोनों में अच्छे से करना है डिस्पाइट वन बीइंग योर गुड प्लेस एंड वन नॉट बीइंग योर एक्सपर्टीज, तो दोनों में मतलब एंड मोमेंट पे इक्वल टाइम देना इतना सेंस नहीं देता। राइट, उससे अच्छा है कि एक में ज्यादा टाइम दे दो, ज्यादा एफर्ट दे दो और उसमें खींच लो मार्क्स। राइट, परफेक्ट। सो अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा वीए स्ट्रॉन्ग था तो मेरे 8 क्वेश्चन ऐसे वीए में मैंने 8 के 8 अटेम्प्ट किया, मेरी 100% एक्यूरेसी थी तो मेरे 24 नंबर वहां से आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक आरसी अटेम्प्ट करी थी और मेरी आरसी में बहुत ही गंदे स्किल्स थे। आरसी के मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 4 में से एक ठीक हो गया, 3 गलत हो गए। तो क्या हुआ कि मेरे मार्क्स भी 24 ही रहे, ठीक है। बट अब ये था कि एटलीस्ट आपको पता, मेरे को आइडेंटिफाई था, मैंने आइडेंटिफाई बहुत पहले ही कर लिया था कि मेरे वी ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी आरसी से, ठीक है। बट मैं उस मोमेंट में भी मैं अपना अटेम्प्ट कंट्रोल नहीं कर पाया, राइट। अगर मैं अटेम्प्ट कर भी लेता, नहीं भी करता तो भी, हालांकि आई वॉज लकी इनफ कि मेरे 24 से नीचे नहीं गया, ठीक है। बट मैं थोड़ा लकी रह गया था, राइट। सो अब आदित्य, लेट्स टॉक अबाउट लक। लक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने 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 टोटल लेट्स से 12 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 12 में से मेरा 12 करने के बाद मेरा मतलब स्कोर 24 ही था। अगर मैं 8 भी करता तो भी 24 था, ठीक है। ये तो मेरा हुआ लक। 12 से अगर मैं करता तो मेरा स्कोर 23 भी हो सकता था अगर मेरे वो 4 क्वेश्चन गलत हो जाते, ठीक है। तो आपके हिसाब से लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है कैट के हिसाब से? एक एग्जाम में लक फैक्टर बहुत बड़ा प्ले करता है। ऑल्सो वॉट प्लेस इज कितने कैलकुलेटर रिस्क ले रहे हो आप। अभी आपने जो अटेम्प्ट्स करे उसमें से अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट्स करे होते जहां पे आप दो ऑप्शंस पे पहुंच गए और दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है। 4 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए, अभी 50% प्रोबेबिलिटी हो ऐसे में आपने एक टिक कर लिया, तो देयर लक फेवर्स यू मोर कंपेयर टू वेयर यू टिक अ क्वेश्चन वेयर इन यू आर कंफ्यूज्ड अमंग 3 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस। तो मतलब थोड़े कैलकुलेशन कैलकुलेटेड रिस्क जितने ज्यादा लोग हैं आप उतना लक फेवर करेगा। दैट्स सो ट्रू। तो मेरे 2020 कैट में क्या हुआ था, मैंने आरसी सारी पढ़ ली, मेरे को लगा मेरा सब ठीक है, मैंने कुछ एलिमिनेट नहीं किया, मैंने सब अटेम्प्ट कर दिया और मेरे आगे 11 नंबर, और मेरे को हुआ कि यार मेरे तो आने चाहिए थे 50, मेरे 11 नंबर कैसे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लक को लक की तरह ट्रीट करोगे तो शायद वो आपका साथ ना दे, ठीक है। बट आपको एक खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने दो रिमूव कर दिए ऑप्शन, दोनों में से आंसर है, तो हो सकता है कि आपका लक उस टाइम पे फेवर करे। प्रोबेबिलिटी होती है कि लक आपका फेवर करेगा ही करेगा, बट वो फेवर तभी करेगा कि आपने ऑलरेडी पहले मेहनत करके रखी होगी तभी। तो आदित्य, लेट्स टॉक अबाउट LRDA, राइट। तो LRDA में क्या अप्रोच रहती है, क्योंकि इसमें इंजीनियर और नॉन इंजीनियर दोनों ही फंसते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो LRDA में थोड़ी बात करते हैं, LRDA में क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? LRDA में सबके सब फंसते हैं। LRDA में ऐसा है कि आप एक सेट भी अगर पूरा ठीक से कर लो तो 95 परसेंटाइल पहुंच जाओगे। चार सेट दिए होते हैं, एक सेट भी ठीक से कर लो तो 95 तो मिनिमम आ जाते हैं तुम्हारे। Exactly. मतलब हाँ, तो अगर दो सेट कर लिया तो 99 प्लस परसेंटाइल पहुंच जाओ, राइट। तो मतलब LRDI इज अ थिंग वेयर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कैट के एग्जाम में आते हैं वो सेट्स ऐसे होते हैं कि आपको बहुत अच्छे से टाइम लगा के सॉल्व करना पड़े, बहुत ज्यादा टाइम लगा के सॉल्व करना पड़े इन अ नॉर्मल सेटिंग। दैट थिंग दैट दीज गाइज एक्सपेक्ट यू टू डू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिसके लिए आपका दिमाग बहुत फास्ट चलना जरूरी है और दिमाग को आदत होनी चाहिए ऐसी चीजें प्रोसेस करने की, राइट। तो ये मतलब यही हमें प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम के डे तक आपका ब्रेन ऐसी चीजें फास्ट प्रोसेस कर सके। उसके लिए स्टार्ट कैसे करो कि जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एकदम नॉर्मल टाइप के रिलेशंस वाले, वो सब क्वेश्चंस से स्टार्ट करो जिनसे एक बेसिक फ्रेम ऑफ माइंड बनेगा कि एक बेसिक अप्रोच आएगी कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस से वो कैट वाले क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे,
बट दिमाग को थोड़ा न्यूट्रल गियर में डालोगे, उसके बाद थोड़े टफर क्वेश्चंस शुरू करो, मतलब वो भी सिंगल, अभी केसलेट्स में मत जाओ, सिंगल क्वेश्चंस, और ये सब कर रहे हो उसके साथ साथ स्टार्ट सॉल्विंग पजल्स एज़ वेल, क्योंकि उससे एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड बढ़ता है। कुछ भी सॉल्व कर लिया, सुडोकू कर लिया या कुकारू कर लिया या मतलब कुछ भी ऐसी कुछ भी पजल्स, राइट, जिससे आप नंबर्स के साथ खेलो और नंबर्स प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए दिमाग में। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा लोगों ने क्या होता है कि नंबर्स से अपनी दूरी बना ली होती है, तो दिमाग को नंबर्स प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल इन एलआरडी, राइट। जितना जल्दी आप चीजों को प्रोसेस कर लो, तो आपको बस क्या करना है, दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है एक के बाद एक फेजेस। अभी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी एक एक मतलब बड़े वाले क्वेश्चन लेके बैठ गए, वो क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिल जाएंगे, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, वो कैट की जितनी चाहिए उतनी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, डीआई बेस्ड क्वेश्चन, वो सब आप बेसिक क्वेश्चन एक एक सिंगल सिंगल होंगे वो आप सॉल्व कर लोगे, इससे आपका थोड़ा लॉजिक बढ़ेगा, आपकी वे ऑफ थिंकिंग उस साइड पे आएगी जिस टाइप का क्वेश्चंस कैट में आते हैं, राइट। बट ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, तो मतलब ये भी ऐसा होगा कि अभी गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर में है, यहाँ पे आके आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा ली तो क्या होगा कि दिमाग अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने लग जाएगा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस करो, तो क्या होगा दिमाग को कोई नई वैरायटी भी दे दी ना, तो ऐसे अटक नहीं जाए, मतलब इट विल स्टार्ट फाइंडिंग इट्स वेज, द फास्टर इट स्टार्ट फाइंडिंग इट वे इट्स वेज, इट इज गुड फॉर द एग्जाम द स्टूडेंट, राइट। ऐसा हाँ, और इसके बाद गो ऑन टू केसलेट्स, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स, वो केसलेट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं नो डाउट, बट ब्रेक देम डाउन, सॉल्व अ लॉट ऑफ केसलेट्स, टाइम लगे, मतलब ऐसा होगा कि एक केसलेट दिया जो मतलब जैसे चार केसलेट्स सॉल्व करने हैं आपको एक घंटे में, और वैसा एक केसलेट सॉल्व करने में आपको दो घंटा लग गया, बट सॉल्व दैट केसलेट प्रॉपरली, जिसमें चार क्वेश्चंस होंगे, छह क्वेश्चंस होंगे, जितने भी होंगे, आपको वो शायद सॉल्व करने में दो घंटे तीन घंटे लग गए, बट अगर आपको उसका लॉजिक अच्छे से पता चल गया, अगर आप वो क्वेश्चन नेविगेट कर पाए अच्छे से, अपने एंड क्वेश्चन तक सबके सब सॉल्व कर लिए, छह क्वेश्चन थे तो सब छह के छह सॉल्व कर लिए, एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन दैट टू समवन एल्स कि मैंने नेविगेट कैसे किया, आप सेटिंग करके सॉल्व तो कर लोगे बट किसी को समझाने जाओगे तब भूल जाओगे। इफ यू आर इन अ पोजिशन दैट यू आर एबल टू एक्सप्लेन दैट केसलेट टू समवन एल्स, तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे टाइप का कोई केसलेट आएगा ना, तो जो तीन घंटे आपको लगे थे ना उसका डेढ़ घंटा ही लगेगा, राइट। सो अब मैंने भी अपने एलआरडीए में 99% हिट किया था, तो मैंने जो अप्रोच पकड़ी थी वो ये थी कि मैंने टोटल 500 से 600 सेट किए थे बुक्स पकड़ के, एंड मैं 600 से ऊपर नहीं गया था कि 500 600 सेट कर ले सारी वैरायटी कवर होगी बस। उन 500 सेट्स को मैंने तीन बार रिवाइज किया था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, तब तक कैट हो नहीं गया था। तो उससे क्या होता कि सबसे इंपॉर्टेंट एलआरडीए में मेरे को जो लगता है वो है कि आपको करेज और आपको हिम्मत आनी चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके का सेट है मैं कर ही लूँगा, एज लॉन्ग एज वो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप कोई भी सेट कर लोगे। तो 5 सेट किए तीन बार, एंड जितने भी मैंने मॉक्स किए थे अराउंड 30 या 40 मॉक्स किए थे, उसमें जितने भी एलआरडीए के क्वेश्चंस थे वो भी मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किए थे। तो आई थिंक कि वैरायटी आपको एक टाइम तक ही सरप्राइज कर सकती है, बट एज लॉन्ग एज आपने कॉन्फिडेंट हो, एज लॉन्ग एज आपको आता है कि ये सेट किस तरीके से करना है, आपका कैट कवर्ड अप है। एंड मैंने भी कैट में सिर्फ 2 सेट्स किए थे, 12 क्वेश्चन किए थे और मेरे 36 नंबर थे, 99 हिट हो गई थी। तो 20 मिनट में मैंने एक सेट किया, अगले 20 मिनट में एक सेट किया, तो परफेक्ट, तो टाइम मैनेज हो गया, मैंने कुछ फालतू नहीं किया, कुछ ओवर अटेम्प्ट नहीं किया, 2 सेट हुए, 2 अच्छे से होके बात खत्म, ठीक है, यही करना होता आपको। तो अब हम आदित मॉक्स की बात कर रहे हैं, तो आपने टोटल नंबर ऑफ मॉक्स कितने दिए थे? मैंने 30 के आसपास मॉक्स दिए होंगे, राइट। तो
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ज्यादा मॉक्स दो तो लोगों को कंसेप्शन होता है कि मैं 60 मॉक दे दूंगा, मैं 70 मॉक दे दूंगा, मेरे कैट में 99.9 हिट हो जाएगी। आपने 30 मॉक दिए, आपकी 99.9 कैसे हिट हो सकती है? तो आपने कंसेप्शन ही आपने खराब कर दिया, तो जो नेचर का ये जो रूल था वो आपने तोड़ दिया, ये कैसे किया आपने? ऐसा क्या होता है कि मतलब एक सेट ऑफ नंबर ऑफ मॉक्स देने के बाद क्या हो जाता है कि यू डोंट फाइंड वेरी न्यू थिंग्स इन द अदर पेपर्स। अभी आपने 30-40 लेट्स सपोज 40 मॉक्स दे दिए, मतलब 40 मॉक्स देने के बाद आप अगर बाकी 10 मॉक्स दे रहे हो तो उस पेपर में से 10% से ज्यादा आप नया नहीं ढूंढ पाओगे, राइट? मतलब द इंक्रीमेंटल चेंज विच यू गेट आफ्टर अ सर्टन नंबर ऑफ मॉक्स, राइट, दैट इज नॉट दैट मच। उससे अच्छा आप उसके अलावा नॉर्मल प्रैक्टिस कर। मॉक्स में होता क्या है कि हम एक 2-3 घंटे का स्लॉट लेके बैठ जाते हैं, वो स्लॉट लेने के मतलब वो मॉक देने के बाद थोड़ा हमें मतलब रेस्ट करना होता है, फिर मॉक्स एनालाइज करनी होती है, तो मतलब काफी लोगों पे मॉक्स एनालाइज करने में 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, तो एक पूरा दिन एक मॉक के पीछे ही निकल गया, राइट? ऐसे करके अगर आप 50-60 मॉक्स देने की बात करते हो तो क्या होता है कि आप उस जगह से टाइम निकाल रहे हो जिस जगह पे आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते थे। अब क्या कर ले हो, यू आर इन वॉर फॉर ऑल द टाइम एंड नॉट प्रैक्टिसिंग, यू नीड टू बी प्रैक्टिसिंग मोर, राइट? मॉक्स जस्ट प्रोवाइड यू एन एनवायरमेंट ऑफ द एग्जाम, तो मतलब इतना ज्यादा एनवायरमेंट भी नहीं चाहिए, क्वेश्चंस अलग से भी सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब मैंने भी जो मॉक्स करी थी, तो मैंने जो 30 मॉक्स करी थी उसमें से 15-20 वुड बी प्रॉक्टर्ड। बाकी मैंने क्या करा था कि वो जो मॉक्स मतलब वो जो पास्ट ईयर मॉक्स होते हैं ना IMS टाइम वाली के, वो देर अवेलेबल, तो आई यूज टू टेक देम और क्वेश्चंस में साइड पे बैठ के सॉल्व करता रहता था कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो, टाइम बाउंड सॉल्व हो, उसके लिए दोज प्रॉक्टर्ड मॉक्स आर इनफ। कि एग्जाम टाइम में टाइम बाउंड मैनर में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए मॉक्स आर इम्पोर्टेंट। बाकी कंसेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सब तो आप मॉक से बाहर भी कर सकते हो, राइट? सो आप आदित, आप मॉक का एनालिसिस कैसे करते हो? तो बहुत अलग अलग मेथड्स होती है मॉक का एनालिसिस करने में। मैं खुद पता नहीं आलस का मारा या पता नहीं, मतलब मुझसे 5-6 घंटे वाली मॉक एनालिसिस नहीं होती थी। पीपल डू एनालाइज मॉक्स फॉर दैट लॉन्ग, राइट? वो क्या मतलब उनका एक मेथड है विच आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट फॉर, कि मतलब इतनी पेशेंस के साथ दे सिट फॉर अ मॉक दैट दे हैव गिवन फॉर 3 आवर्स, दे सिट फॉर 5-6 आवर्स टू एनालाइज दैट मॉक एंड नोट एवरी सिंगल थिंग दैट हैज गॉन वेल एंड दैट हैज गॉन रॉन्ग इन दैट मॉक, एवरी सिंगल क्वेश्चन, ये कैसे कर सकते थे, कैसे नहीं कर सकते थे, दिस गाइज नोट एवरीथिंग एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ देम, बट वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं मतलब मुझे मतलब थोड़ा मेरे लिए अननेसेसरी भी लगा, बाकी लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, है इट इज गुड फॉर देम, बट मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब आई वुड रादर यूज दैट टाइम टू प्रैक्टिस मोर, टिपिकल इंजीनियर वाइफ। हाँ मतलब मुझसे मतलब उसमें एनालिसिस में इतना टाइम, मतलब आई वुड यूज दैट टाइम टू प्रैक्टिस मोर, वो चल जाएगा मुझे। तो इतना टाइम मुझसे मॉक एनालिसिस में नहीं, मतलब मैं क्या करता था कि द क्वेश्चंस दैट आई अटेम्प्टेड रॉन्गली इन द क्वेश्चंस दैट आई कुड नॉट अटेम्प्ट, ये मैं ठीक से देख लेता था कि वो मैं कहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी लैक कर रहा हूँ। मैं क्या करता था, वो क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व नहीं करना, अगर किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट की वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, तो मैं वो कंसेप्ट जाके पढ़ लेता था, राइट? तो वो इंक्रीमेंटल चेंज आ जाता था कि मैंने लेट सपोज 10-15 मॉक्स दे दी ना, तो मतलब 300-400 क्वेश्चंस हो गए पॉइंट्स के, तो इतने में काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे कवर हो जाते, राइट? तो मतलब उसके बाद ना यू स्टार्ट फाइंडिंग पैटर्न्स, मतलब 10-15 में से तो नहीं, अगर 30 मॉक्स दे दी ना तो उसके बाद तो मतलब 80% पेपर के पैटर्न पता ही आपको, पता है बिल्कुल, ठीक है ऐसा ही आ रहा है, क्वेश्चंस भले अलग आएंगे, मतलब रैंडम आइडिया है आपको, राइट? सो
बेसिकली ये कि मॉक्स आप इसलिए भी देते हो कि आपके लिए जो कैट का सरप्राइज फैक्टर है वो खत्म हो जाए, राइट? तो वही आपका आई थिंक स्ट्रैटेजी भी रहनी चाहिए. बट आदित्य, लेट्स से आपने 30 मॉक्स दिए हैं, आपको मिड वे पता लग गया कि मेरी ये वीकनेस है, मेरा लेट्स से अलजेब्रा वीकनेस है, लेट्स से मेरी ज्योमेट्री वीकनेस है, लेट्स से मेरा वीआरसी वीकनेस है. तो वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए उस वीकनेस को, आइदर स्ट्रेंथ में इंप्रूव करने के लिए या फिर ये रियलाइज करने के लिए कि हाँ ये वीकनेस इंप्रूव नहीं हो सकती है, मेरे को एक एड में छोड़नी है. तो क्या अप्रोच है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, वीकनेस अगर 2 महीने पहले पता चली है, हाँ, उसकी स्ट्रेटेजी पहले बता देता हूँ. हाँ. और अगर वीकनेस 1 हफ्ते पहले पता चली है तो हाँ, छोड़ दो. ठीक है, ठीक है. वो एक हफ्ते पहले अगर वीकनेस पता चली है तो वो रेक्टिफाई करने से पहले अच्छा कुछ और में वो इन्वेस्ट कर लो टाइम, राइट? ट्रू. तो अगर 2 महीने पहले पता चली है तो व्हाट यू डू इज, जो भी टॉपिक है सीधा यूट्यूब सर्च करो और कहीं नहीं, फॉर क्वांट, फॉर कैट करके, right. जो भी टॉपिक है फॉर कैट करके सर्च कर लो. इतने अच्छे ट्यूटर्स की वीडियोस मिल जाएगी आपको और आप वो टॉपिक पे अच्छा टाइम स्पेंड करो यूट्यूब पे. वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझाएंगे, बेसिक्स पहले क्लियर करवाएंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे. और ऐसा भी नहीं कि एक ट्यूटर की देखो, ढेरों ट्यूटर्स पड़े हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल देते हैं, मतलब एक्सेस देम, यूज देम. उन्होंने फ्री में कंटेंट इतना डाला हुआ है तो व्हाई नॉट यूज इट. तो अगर आपने लेट सपोज 1 हफ्ता खुद को दे दिया उस टॉपिक के लिए, 2-3 दिन सिर्फ वीडियोस देखो, वीडियोस देखोगे तो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी तो आ ही जाएगी. इतने वीडियोस देखोगे तो बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी तो आ ही जाएगी, क्योंकि वो बहुत शांति से एक्सप्लेन करा हुआ होता है उन्होंने एकदम बेसिक से. और अपने हाथ में होता है यूट्यूब, तो हम रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, स्पीड बड़ा कम करके भी देख सकते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी तो आ जाएगी. उसके बाद क्या करो, लो लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करो, वो करो. फिर वीडियोस देखो जहां पे लैग कर रहे हो, वो सॉल्व करो. और उसके बाद वो 2-3 दिन वो सॉल्व करो. उसके बाद कैट लेवल क्वेश्चंस पे आ जाओ. कैट लेवल क्वेश्चंस 2-3 दिन और सॉल्व करो. फिर देखो, अगर कैट लेवल 2-3 दिन के बाद भी अगर कैट लेवल क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आ रही है, वर्स्ट के सिनेरियो फिर भी आपके साथ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, देन यू कैन थिंक ऑफ कि इसका मैंने बेसिक देख लिया है, इसका इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा, बट टफ क्वेश्चन आएगा मैं देख के छोड़ दूंगा. बिल्कुल ठीक है, राइट? सो अब लेट्स से कि मॉक टेस्ट यूजुअली डिफिकल्ट होता है, राइट? सो आदित्य, प्रीवियस मॉक्स का कितनी वैल्यू होती है स्टूडेंट की कैट प्रिपरेशन जो प्रीवियस ईयर होते हैं? प्रीवियस कैट पेपर्स, राइट? राइट, राइट. हाँ, तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मेरे साथ क्या होता था कि जो मॉक्स इंस्टीट्यूट्स के होते थे ना, उनमें आई डिड नॉट यूज टू स्कोर वेल इन वीआरसी. उसमें मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली थोड़ा कम रहता था. तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने उठाई कि चलो पास्ट कैट पेपर तो देखते हैं, मतलब उसमें किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वीआरसी में क्या होता है, टाइप ऑफ ऑप्शंस से मतलब सिलेक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो मतलब टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑप्शंस देखने के लिए मैंने कैट का पेपर देखा. तो मैंने जब वो पेपर देखा ना, तो मैंने सॉल्व करा, तो आई वॉज एबल टू स्कोर प्रिटी गुड इन दैट, मतलब नॉट दैट बैड हाउ मच आई वॉज स्कोरिंग इन दोज मॉक्स. तो वॉट आई वुड सजेस्ट इज, ये पास्ट कैट पेपर्स देने ही है एग्जाम के पहले, पर वो तब दो जब आप जब मॉक की टेस्ट दे रहे हो एंड यू स्टार्टेड स्कोरिंग लो और हिट सम रोड ब्लॉक, राइट, या मॉरल डाउन हो गया है, तब पास्ट कैट के पेपर्स उठाओ, तो थोड़ा मॉरल भी बूस्ट होगा और थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आएगी. राइट. सो आदित्य, एज एन इंजीनियर, और आपकी प्रिपरेशन के दौरान कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको डिफिकल्ट लगते थे या इन जनरल कैट के लिए डिफिकल्ट हैं? वीआरसी में मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर पेपर देके अभी आऊं तो भी मुझे पता नहीं है कि उसमें से सही कितने.
DILR में देर इज अ लेवल ऑफ सर्टेनिटी के मतलब बैठ गया ये हो गया, और क्वांट्स में आई एम डेफिनेटली इतने सही है, मतलब कोई सिली मिस्टेक हो के एक दो गलत हो सकता है, बट आई कैन नो कि ये आंसर है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था। बट वो VRC में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं एंड मतलब कैट की फाइनल एग्जाम भी देके आया ना, आई कुड नॉट से कि मतलब मेरी इतने परसेंट एक्यूरेसी होगी, क्योंकि वो एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी पता नहीं उसमें रह जाती, क्योंकि वो क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन टू ऑप्शंस इन VARC, तो वो डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि मतलब ये थोड़ा रहेगा, राइट। सो अब फाइनली बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, राइट। सो आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? हाँ, तो मैंने ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं ज्वाइन किए थे, मैंने बस मॉक टेस्ट सीरीज खरीदी थी, राइट, प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो क्या एक स्टूडेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी सेल्फ स्टडी थी, मेनली मेरी भी सेल्फ स्टडी रही है, राइट। बट लेट्स डिस्कस की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या वैल्यू रखती है, क्या वैल्यू एडिशन करती है आपकी कैट प्रिपरेशन। अब मैं ना अलग अलग कैटेगरी के लिए बोलूंगा, क्योंकि एक चीज मतलब सबको मतलब हाँ बोल दूंगा तो ये सबको अप्लाई होगी, ऐसा होगा नहीं। तो अलग अलग कैटेगरीज, लेट्स सपोज पहले नॉन इंजीनियर्स लेते हैं। अभी नॉन इंजीनियर्स में देर आर पीपल हु वर डिसेंटली गुड और हु लाइक्ड मैथ्स टिल 10th, बट समहाउ दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। दीस काइंड ऑफ पीपल, उसमें भी जो ऐसे होंगे जो लोगों को पता है कि मैं बैठ पाऊंगा अपने आप से, मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि किस कोई और जबरदस्ती बैठाएगा तभी मैं बैठ पाऊंगा, मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा इतना हो, तो दे आर गुड फॉर सेल्फ स्टडी, मतलब उनको जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्या है कि कैट के लिए जितना भी कंटेंट चाहिए, एवरीथिंग इन मतलब अटमोस्ट डिटेल इज अवेलेबल ऑन YouTube फॉर फ्री, राइट, वॉट एवर यू नीड, वॉट एवर यू नीड, मतलब यू डोंट इवन नीड टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम एनी क्लासेस इफ यू डिसाइड कि यू आर गोइंग टू सिट डेडिकेटेड, इफ यू डिसाइड, राइट। हाँ, बट ऐसा है तुम्हें कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आई नीड सम कॉन्स्टेंट प्रेशर या सम कॉन्स्टेंट गाइडलाइंस, तो यू नीड टू ज्वाइन द क्लासेस। अभी नॉन इंजीनियर्स हु वर नॉट इन टच विथ मैथ्स और हु डिसलाइक्ड इट और डिड नॉट प्रेफर डूइंग मैथ्स, उनके लिए आई वुड से कि दे शुड ज्वाइन क्लासेस, बिकॉज उनका मैथ्स का जो बेसिक्स होता है दैट वुड नॉट गेट क्लियर्ड बाय देमसेल्व्स। वो सेल्फ स्टडी में क्लियर करने जाएंगे तो इट वुड टेक देम सो मच टाइम और एफर्ट दैट दे वुड रादर चूज लीविंग इट, वो ड्रॉप ही कर लेंगे, राइट। तो उन लोगों के लिए आई वुड प्रेफर कि उनको क्लासेस जाना चाहिए, ताकि आपको कांस्टेंट गाइडेंस मिलती रहे, आप सॉल्व कर रहे हो बेसिक्स से, आपको वो लोग मतलब आपको कोई क्वेरीज आ रही है वो भी सॉल्व कर ले, क्योंकि बेसिक के टाइम पे ऐसी क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। नाउ कमिंग टू इंजीनियर्स, इंजीनियर्स में भी engineers are having a somewhat idea of how these quant questions go, but unko bhi bahut zyada approach seekhna padta hai, different kinds of approaches are needed, kyunki hum jaise pehle solve karte the waise agar cat ke paper mein solve karne jaye to nahi hoga, paper hi solve nahi ho payega, to agar engineers have decided ke they will sit by themselves and learn it and they can discipline themselves, so nothing is better than self study, koi zarurat nahi hai classes join karne, but aisa hai ki tumhe constant guidance chahiye, accountable rehna padta hai tumhe tabhi tum kaam karte ho, to definitely class join karo, right, warna koi zarurat nahi hai coaching agar aap khud se timetable nahi bana sakte, so mera pehli baat to all the students, टाइम टेबल हमेशा टूटेगा ही टूटेगा अगर आप खुद से बनाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, मैं करता था कि भाई आज मेरे 5 टास्क हैं,
मेरे को 5 में से 4 करने ही करने हैं। तो क्या होता था कि मैं अगर अपने लिए टाइम टेबल सेट करता था तो मैं बाउंड हो जाता था, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपके लिए टाइम टेबल बनाते हैं वो आपको इन अ वे डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन वे में अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाओ। इवन इफ अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। आप सेल्फ स्टडी से नहीं बच सकते, ये आपको अग्री करना पड़ेगा, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो आप टाइम टेबल अगर आप चाहो, अगर आप खुद के लिए सेल्फ स्टडी अपनी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल मेक अ सर्टन लिस्ट ऑफ टास्क एवरी डे एंड फोकस कि आपको उतने सर्टन ऑफ टास्क कंप्लीट करने ही करने हैं, एटलीस्ट 80% तो कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। तो आदित्य लेट्स टॉक अबाउट कि न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी हेल्पफुल रहती है आपकी कैट प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी इवन रीडिंग द एडिटोरियल्स पार्ट। सो आपका क्या कहना है इस पर? सो न्यूज़पेपर रीडिंग, व्हाई न्यूज़पेपर रीडिंग? बिकॉज न्यूज़पेपर में क्या होता है कि देयर इज अ वैरीड टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट यू गेट टू रीड, राइट। इंपॉर्टेंस वो है, मतलब आप अगर एक बुक लेके बैठ गए तो एक पूरी बुक शुरू होने से खत्म होने तक सिर्फ एक जॉनर का ही होगा, एक स्टाइल ही होगी ऑथर की लिखने की, वही पढ़ते रहोगे। तो माइंड वुड गेट अकस्टम्ड टू रीडिंग थिंग्स इन फ्लो। न्यूज़पेपर में क्या होता है, एवरी सिंगल एडिटोरियल, एवरी सिंगल पैराग्राफ, एवरी सिंगल न्यूज वुड बी रिलेटेड टू अस डिफरेंट थिंग, राइट राइट। तो आपको आदत हो जाएगी अलग अलग टाइप ऑफ टॉपिक्स ग्रास्प करने की, राइट। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर टेकिंग अ न्यूज़पेपर, आपको डिजिटल न्यूज़पेपर ही यूज़ करना है, आपको रीडिंग की आदत होनी चाहिए लैपटॉप स्क्रीन से। फिजिकल न्यूज़पेपर मे नॉट बी दैट हेल्पफुल, ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ अ डिजिटल न्यूज़पेपर एट एनी डे। तो आदित्य, व्हाट आर सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स दैट यू रेकमेंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? I would not be able to recommend proper newspapers properly because I haven't read many of them. Okay. So I won't go and recommend newspapers from my side. Right. So maybe you can recommend some. I'll recommend. So guys, for me, the Hindustan Times is the very basic newspaper that you should first follow. Once you get accustomed to the Hindustan Times, opt for the Mint. The Mint जो newspaper है वो आपको बहुत अच्छी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपको कैट में भी हेल्पफुल रहेगी और आगे जाके एमबीए में भी हेल्पफुल रहेगी। उसमें क्या होता है कि एमबीए की बहुत सारी टर्म्स जो आप एमबीए में जाके सीखते हो वो आप मिंट में ऑलरेडी सीख चुके होते हो, तो आपको वहाँ पे एज मिलता है। एंड फाइनली जब आपको प्रॉपर एकदम कट्टर, जिसको हिंदी या पंजाबी में कट्टर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, तो गो फॉर द हिंदू, उससे बेटर कुछ नहीं है। बट आपको आपके लेवल्स फॉलो करने हैं, फर्स्ट बेसिक से एंड देन मूव टूवर्ड्स द हिंदू। So Adit, let's talk about कौन सी books best हैं CAT preparation के लिए। So what are the some of the best books that you should go for during your CAT preparation? In terms of solving questions? In terms of solving questions, in terms of finding good VRCs and in terms of overall guidance that a book provides. My approach to this might not coincide with a lot of people, lot of other right. people. That's okay. But what I have seen is, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है ना, दे वुड वांट देयर मटेरियल टू बी बेस्ट, टू बी द बेस्ट, एग्जैक्टली। तो दे वुड कवर एवरीथिंग दैट इज नीडेड। तो मतलब जितने भी 4-5 जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है ना, उनमें से आंख बंद करके कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप उठा लो और बस सॉल्व करने बैठ जाओ। ऐसा तो है नहीं इसमें कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एग्जाम देनी है कि इसमें जो जैसी टर्म्स दी हुई है वैसी की वैसी हमको पेपर में जाके टिक करनी है, राइट राइट। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है यहाँ पे, राइट। हमें बस प्रैक्टिस करनी है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, हर एक इंस्टीट्यूट को होता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी रखनी, राइट। तो जो टॉप 4-5 इंस्टीट्यूट्स है उनमें से किसी का भी आप स्टडी मटीरियल उठा लो और पूरा एंड टू एंड सॉल्व करने की ट्राई, क्योंकि दे वुड मेक श्योर के दे एनकंपास एवरीथिंग दैट इज नीडेड, राइट, ट्रू। इतना क्योंकि उन लोगों ने मतलब काफी बंदे बिठा के रखे हैं उनका सिर्फ स्टडी मटेरियल बनाने के लिए, वो भी हाईली क्वालिफाइड, विच आर मॉनिटरिंग कैट फॉर इयर्स, राइट। तो किसी भी एक का मटेरियल उठा के एंड टू एंड कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा इसमें से कर लिया, थोड़ा इसमें से कर लिया,
ऐसा करोगे तो क्या होगा कि यू विल मिस आउट ऑन थिंग्स. किसी एक चीज को लेकर पूरी अगर खत्म कर लोगे ना तो मतलब वर्स्ट के सिनेरियो भी 5% कुछ रह जाएगा. राइट. उतना मार्जिन ऑफ एरर तो चलता है. राइट. सो टू एवरी स्टूडेंट आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स यूज कर लेट्स से फॉर आप किसी कोचिंग लेट्स से IMS कोचिंग के आप बुक्स यूज कर रहे हो या फिर आप बुक्स में जो अरुण शर्मा की बुक्स अवेलेबल है आप वो यूज कर रहे हो. पॉइंट इज कि आपको वही बुक्स को खुद को लिमिट करना है क्योंकि क्या होता है कि बच्चा आता है कि कैट में सारे अटेम्प्ट कर लूंगा इतनी सारी बुक्स कर लूंगा दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि आप एक बुक को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हो वो पॉइंट है. सो अरे मैंने भी मेंशन किया कि आप एक बुक को कितने अच्छे से कर सकते हो. अब लेट्स वाइंड अप आवर इंटरव्यू. मेरे को वन फाइनल थिंग वन फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना वो है कि कैट के लिए रिवीजन कैसे करनी है क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस तो हमने कर लिए 100, 200 सेट, 300 सेट कर लिए LRDI के ठीक है बट उनको रिवाइज करना भूल जाते हैं. बट क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द कैट एग्जाम सो हाउ टू कंडक्ट अ रिवीजन. डेफिनेटली. सो वट आई वुड सजेस्ट इज ये भी मतलब काफी लोगों का डिफरेंट हाँ, होता है हाँ. मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले कुछ ही नहीं कर रहे. राइट. डिस्पाइट दैट दे विल स्कोर गुड. और काफी लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम के एंड मोमेंट तक दे वॉन्ट टू रिवाइज थिंग्स एंड देन सिट इन द एग्जाम एंड दे विल गुड दे विल डू गुड. राइट. मतलब एक एक चीज सबको तो नहीं चलेगी पर क्या करना है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइक व्हेन द कैट एग्जाम पेपर कम्स क्लोज वहां पे जाके हमें नए टॉपिक्स जो है जो नए कंसेप्ट है वो जितना ट्राई हो सके उतना नहीं समझ. मतलब अगर तीन दिन बाकी हो है छोटा सा कंसेप्ट है समझ लिया ठीक पर एंटायरली अ न्यू थिंग टू स्टार्ट एट दैट पॉइंट इज नॉट एट ऑल गुड. राइट. एक पार्ट ये हो गया. और अगर रिविजन करना है तो रिविजन में क्या करो कि जब सॉल्व कर रहे हो ना आगे जब प्रैक्टिस करिए मार्क दोज क्वेश्चंस व्हिच यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट और सॉल्व प्रॉपरली व्हाइल यू वर डूइंग इट. क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने फर्स्ट गो में सॉल्व कर लिए हैं ना वो एग्जाम में भी फर्स्ट गो में सॉल्व हो ही जाए उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी. राइट. जिन क्वेश्चंस में आप अटके हो उस टाइप के क्वेश्चंस भले वो क्वेश्चन आपको तब समझ में आ गया उसके बाद आप समझ गए बट देयर इज अ हाई चांस कि आप बाद में वो भूल गए हो. तो जो क्वेश्चंस ना जो क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जस्ट रिवाइज दोस क्वेश्चंस. तो ऐसे टॉपिक्स जो टॉपिक्स आपको लगे कि मतलब आपको ये रिवाइज करने पड़े थे वो टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करो. राइट. और for quants, maintain a book wherein you mention all the important formulas. Right. That is required. तो exam के पहले बस वो pages skim करके important formulas आप देख लो and you are good to go. Right. So आदित मैंने भी यही किया था. मेरी भी दो suggestions हैं. पहला suggestion ये है कि मैंने भी एक book बनाई थी. दो case sets बनाए थे. एक case set में जितने भी questions, जितने भी chapters थे, उन सभी के formulas थे. एंड अब आपको हैरानी होगी मेरा दूसरा जो केसलेट था उसमें 30 तक के 30 नंबर तक के 1 to 30 के सारों के टाइम सारों के टेबल्स थे. हाँ 1 into 20, 1 into 10, 1 1 1 1 7 1 2 तो 2 to 4 to 3 सबके टाइम टेबल सॉरी सबके टेबल्स थे 30 तक के. उसके अलावा उस सेकेंड केसलेट में ही स्क्वेयर्स थे 30 तक के 30 तक के स्क्वेयर्स थे. उसके अलावा 100 का स्क्वेयर 100 से लेके 110 तक के स्क्वेयर्स थे. सेम मैंने 1 to 20 या 1 to 30 तक की क्यूब्स रखे हुए थे कि 1 का क्यूब क्या 2 का क्यूब क्या 3 का क्यूब क्या. उसके अलावा मैंने स्क्वेयर रूट्स रखे हुए थे 20 तक के क्यूब रूट्स रखे हुए थे 20 तक के. सो मेरे कहने का मतलब ये कि आपके लिए कुछ कुछ नंबर्स आपके टिप पे होने चाहिए मेरा ये बिलीव था. और स्क्वेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि स्क्वेयर्स आर हेल्पफुल. क्यूब रूट्स क्यूब्स आपके टिप्स पे होने चाहिए. एंड इसके अलावा गाइस क्या होता है कि आप ओवर द टाइम जब आप क्वांट्स की लेट्स से क्वांट की एग्जांपल लेता हूं क्वांट्स के ओवर टाइम आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको आपका पर्सपेक्टिव आ जाता है कि यार इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लगना है इसको कुछ डिफरेंट तरीके से करना है. बट याद रखना गाइस जो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट में जो आपसे क्वेश्चंस हुए थे ना वो आपके सिंपलिसिटी के कारण हुए थे. तो आप क्वांट्स को जितना सिंपल रखोगे जितने उसको लेस कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा. तो अरे आई थिंक ये हम अपना इंटरव्यू यहीं पे वाइंड अप करते हैं.
any final words, anything that you want to say to all the Cat Eyes parents who are aiming for the Cat 2023, the floor is all yours. Say everything, motivate them in your way, own way. So, Cat 2023 ke liye, there are how many months? 7 months? Almost, yeah, kind of. So, you have enough time. It's just that practice karte time, सीखते टाइम ऐसा लगे कि मुझे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो अटक मत जा, जस्ट कीप ऑन गोइंग. क्योंकि वो इनिशियली हार्ड लगेगा, हमें पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, कैट का 100% पेपर हमें सॉल्व नहीं करना है, तो ऐसा भी लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो भी करते रहो करते रहो करते रहो, एंड में जाके कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा. बट जितना करते रहोगे उतना ज्यादा सॉल्व होगा. राइट, मतलब अगर ऐसा लगे भी कि लो मोमेंट आ गया है, तो एक दिन का ब्रेक ले लो, दो दिन का ब्रेक ले लो, बट फिर से लग जाओ. अगर छोड़ दिया तो छूट जाओ. राइट, सो वेरी परफेक्ट आदित्य. सो विद दैट बीइंग सेड, टू ऑल द कैट एस्पिरेंट्स, कैट 2023 एस्पिरेंट्स, वी होप वी वर एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. वी होप यू आर फीलिंग मच मोर गाइडेड, मच मोर डिसिप्लिन्ड इन योर प्रिपरेशन. And we also want to thank Adit for being so generous, so kind to us, and so open-minded to all the things that we faced in the past 1.5 hours. So Adit, I hope you don't tell the story to anyone apart from your friends. And to all the viewers, cheers, all the very best. And to Adit, thank you so much. College Duniya lekar aa raha hai India's biggest education fair. Yaad rahe, 6th and 7th of May. जगह प्रगति मैदान. रजिस्टर करने के लिए कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या क्लिक करें अप्लाई नाउ बटन पर.